वायरस को लेकर टीम 9 के साथ लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। 5 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद टीम 9 की ये पहली बैठक थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, मंत्री संदीप सिंह और मयंकेश्वर सिंह समेत टीम 9 के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति पर चर्चा की। तो 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद जहां 4 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी की ये बैठक रही और सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक करी है। चुनावों के बाद ये पहली बैठक है जो कि टीम 9 के साथ कोरोना पर हुई है। कोरोना के मामले अभी भी जारी हैं आना और इसी पर समीक्षा बैठक करी गई है। टीम 9 की ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की टीम 9 के साथ ये पहली बैठक है और काफी अहम भी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, मंत्री संदीप सिंह और मयंकेश्वर सिंह समेत टीम 9 के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति पर चर्चा भी की। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, सीएम योगी ने अपना कार्यकाल संभालने के बाद जो दूसरा कार्यकाल है उसमें जिम्मेदारियां संभालने के बाद आज टीम 9 के साथ बैठक करी है। कोरोना के मामले हालांकि कम हो गए लेकिन अभी भी सामने आ रहे हैं, तो ताजा स्थिति पर चर्चा करी है। कौन कौन सी अहम चीजें हैं जिसपे आज पीएम ने अपनी बैठक के दौरान उन मुद्दों को उठाया? कोरोना को बैठक बहुत जरूरी, क्योंकि लगातार अंदेशा देखा जा रहा है कि कई देशों में कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है BA.2, उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है टीम 9 के साथ। इसके पहले भी जब भी कोरोना के लक्षण नजर आए थे, जब भी जिस तरह की जो महामारी फैल रही थी, पिछले बार पहली लहर की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार संघर्ष किया था और लगातार उन्होंने पहले टीम 11 बनाई थी, उसका टीम 9 बनाई थी, लगातार बैठकों के माध्यम से संदेश दे रहे थे और तमाम जो रणनीति है कोरोना को रोकने की उन्होंने पालन किया था। उसके बाद वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है और युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया गया था। तो निश्चित रूप से अब कोरोना के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं बाहरी देशों में, हालांकि भारत में अभी तक ऐसे कोई मामले नहीं आया, जो नया वेरियंट पाया नहीं गया, क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो निश्चित रूप से भारत में अभी इस तरह के मामले नहीं आए हैं। पर निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में अगर लहर आती है तो क्या क्या तैयारियाँ हैं उसको लेकर एक रणनीति बनानी बहुत अहम है और क्या व्यवस्थाएँ हैं स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जो बनाए गए हैं, अभी डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए हैं, और संदीप सिंह जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है उनको बैठा है, उनके साथ बैठक की गई है, और जो टीम 9 के जो उनके अफसर हैं उनके साथ बैठक की गई है, और यहाँ पर रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो हम किस प्रकार से उनसे लड़ पाएंगे। जी गौरव, कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मार्केट में भी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना के मामले काफी तेजी से सामने आ रहे हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में एक बार फिर बैन लग सकता है? देखिए, अभी कुछ समय पहले मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सुचारू हुई है, और निश्चित रूप से क्योंकि अगर हमको वास्तव में कोरोना को रोकना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर आवागमन पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आवागमन पर रोक नहीं लगाएंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रहेगी, तो निश्चित रूप से जो पेशेंट है जो बाहर के देश से जहाँ पर कोरोना फैल रहा है, मैं चीन की बात करूँ, मैं फ्रांस की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, ब्रिटेन की बात करूँ, वहाँ पर BA.2 जो वेरियंट है कोरोना का नया ओमिक्रॉन BA.2 वो लगातार फैल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हमको रोकना है और भारत में फैलने से संक्रमण को रोकना है तो हमको इस फ्लाइटों पर रोक लगानी पड़ेगी या कोई एक गाइडलाइंस जारी करनी होगी। हालांकि गाइडलाइंस जारी करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं करते हैं, उससे निकल जाते हैं एयरपोर्ट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और कहते हैं कि हमें कोई कोरोना नहीं है, और जो RT-PCR टेस्ट है या जो अन्य टेस्ट हैं कोरोना को लेकर बनाए जाते हैं उनको भी फॉलो नहीं करते हैं, अगर होता भी है तो उनकी जो पहचान होती है वो भी साफ नहीं हो पाती, निश्चित रूप से उनको ढूंढना पड़ता है और तब तक संक्रमण काफी फैल जाता है, जो कि पिछली बार ऐसा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को लेकर कोई योजना बनानी पड़ेगी, कोई गाइडलाइंस यहाँ पर बनानी पड़ती सरकार को। जी, अगर बात करी जब बृजेश पाठक की, वो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने अपना पदभार संभाला है और कोरोना जैसी स्थिति अभी भी जारी है, तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी
चुनौती निश्चित रूप से है कि पिछली बार विधि न्याय मंत्री थे, और अगर हम कोरोना की पिछली 2-3 लहरों की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने स्वयं संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई थी और लगातार अस्पतालों को दुरुस्त किया था, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, वो लगातार मेहनत कर रहे थे। और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम जहाँ पर जहाँ जहाँ जिले हैं सभी जगह मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लगभग लगभग काफ़ी जगह खुल चुके हैं, कुछ जगह अभी काम जारी है, और माना जा सकता है कि कोरोना की जो चौथी लहर अगर आती है उसके पहले मेडिकल कॉलेज दुरुस्त हो जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसको भी देखना पड़ेगी, ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कुछ लग चुके हैं, कुछ और उनमें काम जारी है। निश्चित रूप से यहाँ पर रणनीति बहुत जरूरी है, और चूंकि ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग संभाला हुआ है, पिछली बार नए मंत्री थे तो इस बार डिप्टी सीएम भी है, तो अहम जिम्मेदारी है, और योगी के साथ आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उनके साथ आपको एक विचार विमर्श करना पड़ेगा, लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अगर ब्रजेश पाठक की बात करें तो पिछली कोरोना की जो तीसरी लहर आई थी जब काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोगों की मौत हुई थी, तो निश्चित रूप से उसमें भी उन्होंने काफी योगदान दिया था, वो लगातार अपने स्वयं के माध्यम से लगातार जो किट है वो वितरित कर रहे थे और राशन वितरित कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने काम तो किया है, पर आप काम दायित्व के साथ में है और एक पदभार है जो कि स्वास्थ्य विभाग का, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आपको विशेष रूप से यहाँ पर कार्य करते नजर आना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो कोरोना पर मंथन जरूरी है क्योंकि अभी भी इसके मामले सामने आ रहे हैं, और ताजा स्थिति पर जानकारी लेने के लिए ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक करी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी, इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले पर अपर मुख्य सचिव व होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम एवं एसपी से पेपर लीक मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला का कहना है कि केवल बलिया के डीआईओएस को निलंबित कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है, मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, दोषियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। सामने आ रही है पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, निरस्त हुआ पेपर 13 अप्रैल को होगा। 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे होगा पेपर। प्रदेश के 24 जिलों में हुए थे पेपर रद्द। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, निरस्त हुआ पेपर 13 अप्रैल को होगा। 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे से होगा पेपर। प्रदेश के 24 जिलों में हुए थे पेपर रद्द, और इन्हीं 24 जिलों में 12वीं का अंग्रेजी का जो परीक्षा है जो आज रद्द की गई वो 13 अप्रैल को होगी। निरस्त हुआ पेपर 13 अप्रैल को होगा। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा की तारीख सामने आ गई है जिसे आज निरस्त कर दिया गया था। 2 बजे होना था लेकिन कुल 24 जिलों में इसे निरस्त कर दिया गया पेपर लीक होने की वजह से। 13 अप्रैल को निरस्त हुआ पेपर अब कराया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 24 जिलों में पेपर आज रद्द कर दिया गया अंग्रेजी का, 12वीं का, तो अब ये 13 अप्रैल को किया जाएगा, तो इससे पहले क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल सकती हैं? ये पेपर थे उसके लीक होने की बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 24 जिलों में
ये दो सेट जो जो पेपर के होने थे जो वे दो सेट लीक हो गए, तो ये लगभग 24 जिलों में ये दो सेट गए थे। तो इसको देखते हुए 24 जिलों में पेपर को निरस्त कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बलिया से ये पेपर लीक हुआ है, बताया ये जा रहा है कि वहां के DIOS जो ब्रजेश मिश्रा थे उनको निलंबित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ये पेपर 2 बजे से होना था, मगर 12 बजे पेपर से ठीक 2 घंटे पहले ये पेपर निरस्त हो गया लीक को देखते हुए। वहीं आपको बता दें कि दूर दराज से जो छात्र थे जो अपने बोर्ड पेपर के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए थे, उनकी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी थी, वो पेपर में पूरे तैयार होकर पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे, मगर पेपर से 2 घंटे पहले ये पेपर लीक हो गया। और आपको बता दें कि बाकी के 51 जिले जो हैं वहां ये पेपर हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि DIOS ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर, और आपको बताना चाहेंगे कि जो वाराणसी से SPF की टीम भी भेज दी गई है बलिया, जो की पेपर लीक के मामले को जांच करेगी और निदेशालय में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो ACS है अवनीश कुमार अवस्थी, उन्होंने जो बलिया के DM हैं और SP हैं उनको तलब किया है और रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस मौके पे जो उच्च शिक्षा की मंत्री है गुलाबो देवी, वो उच्च शिक्षा विभाग पहुंचती है, वहां आला अधिकारी और जो CCTV फुटेज जो यहां देखे जा रहे हैं मंडल वाइज उस पे उसको खंगाला जाता है, और फिर जो यहां जो अपर मुख्य सचिव आपकी मिसेस शुक्ला है उनकी तरफ से भी बयान आता है कि ये पेपर जो निरस्त किया गया है लीक की वजह से उसे 2 पालियों में कराया जाएगा, और 13 तारीख को आने 13 अप्रैल को इस पेपर का आयोजन फिर किया जाएगा 24 जिलों में, जो कि 2 पालियों में होगी, पहली लगभग 8 बजे से और दूसरी 11:30 बजे से। दोनों सेट जहां जहां गए लगभग 24 जिलों में गए वहां पेपर निरस्त कर दिया गया, और आने वाले 13 तारीख को फिर इस पेपर का आयोजन किया जाएगा। वही अगर बात करें तो छात्र जो कि अपने साल भर की पढ़ाई साथ ही साथ परीक्षा से पहले वो कड़ी मेहनत के बाद पेपर देने जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होकर अब अपने परीक्षा सेंटर पे पहुंच रहे थे, मगर उन्हें सूचना मिली कि पेपर लीक हो चुका है, जिससे वो मायूस होकर और हताश होकर लौट अपने घर चले, मगर विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर 13 तारीख को 2 पालियों में पेपर कराने का आदेश जारी हो चुका है। जिस प्रकार विभाषु अभी तक कई बड़ी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, पेपर को रद्द किया गया, अब बोर्ड का परीक्षा के साथ भी ऐसा हुआ है, तो ऐसी छेड़छाड़ कितनी बड़ी लापरवाही है। जी शिखा, अगर बात करें तो आपने कुछ दिन पहले देखा था कि यूपी में एक पेपर हुआ था PET, उसका भी वो भी लीक हो गया था। UPSC के साथ साथ ऐसे कई सारे पेपर लीक हुए थे, तो ये बड़ी टेढ़ी खीर है टेढ़ी जो सरकार है उसके लिए, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्रियों के लिए। वहीं आपको आप देख सकती है कि विपक्ष पूरा हमलावर हो चुका है, और वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भाजपा के दूसरी पारी में भी पेपर लीक। वहीं जो तमाम कांग्रेसी नेता है चाहे विपक्ष के तमाम बड़े नेता कटाक्ष और सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। वहीं अगर बताना चाहे तो जो DIOS है बलिया के ब्रजेश मिश्रा, वो पहले भी उनका पेपर लीक से नाता रहा है, 2017 में एक और पेपर लीक में उनका नाम आया था। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इस बार भी जो इंटरमीडिएट के इंग्लिश के पेपर थे उसे वो लीक हो गया है, जिसमें वो आरोपी हो सकते हैं, अभी अभियुक्त के तौर पे उन्हें कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नकल विहीन पेपर कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा मुहिम चलाया गया था कि नकल विहीन पेपर कराया जाएगा, मगर आपने देखा कि पेपर लीक हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि जो इसमें दोषी होंगे, जो इसमें पेपर लीक कराने में जो जिनका हाथ होगा उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जो पेपर से शुरू होने वाले थे और इसकी तिथियां आई थी, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान आया था कि अगर पेपर लीक में कोई संलिप्त होता है तो NSA और RASUKA जैसे उनके ऊपर केस चलाए जाएंगे। और अब देख सकते हैं कि इस पेपर लीक में उन जो SIT की टीम
गठित की गई, और साथ ही साथ एसीएस अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जो एसपी है और आपके बलिया डीएम है उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद देखना होगा कि कार्रवाई किस हद तक की जा रही है। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी बने रही है। तो जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर अब शासन और प्रशासन दोनों ही सख्त नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट मांगी जा रही है और एसटीएफ अब इस मामले में जांच करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसपा नेता फहाद और सपा के विधायक मंसूद हसन के भतीजे के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दावा किया जा रहा है कि बसपा के नेता ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बना लिया था। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा पर बनी 6 मंजिला अवैध बिल्डिंग को एलडीए के बुलडोजर ने ढा दिया। एलडीए के जोन स्तरीय अधिकारियों ने पहले नोटिस भेजा था, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। याजदान ग्रुप के इस अवैध निर्माण को प्रशासन की तरफ से गिराया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एलडीए के अफसर, उनसे हम जानेंगे सर क्या इस बिल्डिंग को गिराने के लिए नोटिस दी गई थी। निर्माण इन्होंने वर्ष 2016 में शुरू किया था, उसके बाद ही इनको नोटिस दी गई, फिर इस बिल्डिंग को सील भी किया गया, उसके बाद भी निर्माण करते रहे और अंततः इसको ध्वस्तीकरण आदेश इस पर किया गया, उसके बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही है। अच्छा ये बताएं, जब कोई बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो एलडीए से भी नक्शा पास होता है, तमाम नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, तो क्या ये बिल्डिंग सभी नॉर्म्स को और तमाम सर्टिफिकेट लेने के बाद ही बनाया गया था? नहीं नहीं, कोई जो नक्शा पास होता है हमारे यहाँ से नक्शा कोई पास नहीं हुआ इनका, और ये निर्माण करते हैं इसीलिए हम लोग इस पर कार्रवाई पहले किए थे और ध्वस्तीकरण आदेश हम लोग पारित किए। उस आदेश के खिलाफ कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए, वहाँ से भी इनकी जो अपील थी वो खारिज हो गई है। और एक होता हमारे यहाँ कंपाउंडिंग होती है, लोग अगर मान लीजिए नक्शा नहीं पास कराए तो उसी कंपाउंडिंग धारा 32 में करा सकते हैं। इन्होंने कंपाउंडिंग दाखिल की थी लेकिन चूंकि ये लैंड नजूल की है इसलिए एनओसी ना मिलने के कारण जो है ये इसकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाई और ध्वस्तीकरण इस पर आज कराया जा रहा है। जी तो हमारे साथ एलडीए के अफसर थे जिनके तरफ से साफ तौर पर कहना है कि तमाम नोटिसों के बावजूद इस बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य था वो जारी था और ये जमीन नजूल की है। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, किन मानकों को देखते हुए इस बिल्डिंग को, इस निर्माण को अवैध बताया गया है? जी शिखा, यूपी में दोबारा योगी सरकार के रिपीट होने के बाद जो अवैध निर्माण है उसी कड़ी में आज लखनऊ के राजदान ग्रुप के एक 6 से 7 मंजिला इमारत के ऊपर आज बुलडोजर चलाया गया जो कि 15,000 स्क्वायर फीट में बना था। शिखा आपको बता दें कि तमाम मानकों के बाद जो कमर्शियल अपार्टमेंट होते हैं या रो हाउसेज होते हैं या कोई भी टाउनशिप होती है उसको तमाम नॉर्म्स के बाद बनाई जाती है। वहीं जो एलडीए के अफसर से बातचीत के दौरान ये पता चला कि 2016 में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था जो कि सपा के एक विधायक है उनके भतीजे के द्वारा बनाया जा रहा था, और 2016 में तमाम नोटिसों के बावजूद भी इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी रखा गया था। वहीं इस अगर बात करें तो जो इस पूरे राजदान ग्रुप के इस बनाए अपार्टमेंट में जो लोगों ने लगभग बताया जा रहा कि 80% फ्लैट बिक चुके थे, जो जिन लोगों ने इस फ्लैट को खरीदा है वो बड़े ही बेहद नाजुक स्थिति में, जब अपार्टमेंट गिराया जा रहा था तो वो बेहद सहमे हुए और डरे हुए, साथ ही साथ कुछ लोग विलाप भी कर रहे थे कि हमने अपने जीवन की पूरी फूटी कमाई जो हर एक कमाई को हमने इस बिल्डिंग को खरीदने में लगा दी थी मगर सरकार की तरफ से इसे अवैध बताकर गिराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजदान ग्रुप है उसकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है कि इससे तमाम लोग पीड़ित हैं। लगभग इस 7 मंजिला जो अपार्टमेंट है इसमें 50 से ऊपर फ्लैट बनाए गए थे जिसमें से 80% फ्लैट बेच चुके थे, और तमाम जो एनडीए के नॉर्म्स हैं, जो नियम होते हैं, चाहे बात की जाए सॉइल टेस्ट की, चाहे बात की जाए नक्शे की, तो नक्शा बिल्कुल इसका पास नहीं हुआ था जैसा कि आपने सुना एनडीए के अफसर ने बताया। तो इसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में लगभग जो राजदान ग्रुप के इस अपार्टमेंट जो 15,000 स्क्वायर फीट बने इसको चारों ओर से बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण और नेस्तनाबूद किए जाने की कार्रवाई अभी भी जारी है। जी जी, और जिस तरह से जब ये प्रक्रिया होती है, किसी भी अपार्टमेंट को बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें सारे दस्तावेज पहले जांचे जाते हैं और जब लोग खरीदते हैं तो उनको पूरी जानकारी दी जाती है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदा क्या उनको जानकारी नहीं दी गई, पूरी पारदर्शिता नहीं रही थी, जो लोग है उनका क्या कहना है, उनको क्या कुछ बता के ये फ्लैट्स बेचे गए थे?
जी शिखा, उनकी तरफ से यही बताया गया कि हमने इसकी जांच नहीं की और यहाँ फ्लैट खरीद लिए। वहीं जो एलडीए के अफसर, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो नियम होते हैं उसके विरुद्ध जाकर ये बिल्डिंग बनाया गया, वहीं अवैध निर्माण करार देते हुए उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उसी क्रम में जो लोग थे वहां मौजूद थे जिन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, उनका साफ तौर से कहना है कि हम बिना जांच के इससे खरीदे, और जो कंपनी थी उनकी तरफ से बताया गया कि पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो तमाम जो नियम होते हैं उसके पालन करते हुए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। मगर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उन ग्राहकों के उत्साह से छलावा हुआ है राजदान ग्रुप की तरफ से, और इसी क्रम में जो एलडीए के अफसर है उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि तमाम नोटिसों के बावजूद इसका निर्माण कार्य जारी था और सातवें मंजिले का काम अभी भी जारी था। और वहीं अगर बात करें पोजीशन की, तो अब तक जो 80% लोगों ने वहां मकान खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, उनको उनमें से किसी को पोजीशन नहीं दिया गया था और लगभग 3 किस्तें लोगों ने दे दी थी 4 किस्तों में से। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और पूरी पारदर्शिता भी नहीं थी इस मामले में, ना ही अवैध होने के बारे में भी कोई जानकारी दी गई थी, और अब यह मामला कोर्ट में है। खबर देवरिया से है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पर हाई स्कूल की संस्कृत और इंटरमीडिएट की चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। सूचना पर पहुंची टीम ने छापेमारी कर मौके से 17 अभियुक्तों को संस्कृत और चित्रकला के उत्तर पुस्तिकाओं को लिखते हुए पाया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम प्रधान के घर पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाई स्कूल के संस्कृत विषय की और इंटर के चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं वहाँ लिखी जा रही थी। उत्तर पुस्तिकाएं लिखे जाते हुए लोगों को, 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सारी उत्तर पुस्तिकाएँ स्थानीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना थाना बरहज देवरिया से संबंधित थी, और इसके अलावा ए और बी श्रेणी की काफ़ी उत्तर पुस्तिकाएँ तथा तमाम लोगों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर सामने आ रही है जहां पे प्रधान के घर पर उत्तर पुस्तिका पाई गई है और उसे लिखते हुए कुछ लोग भी पाए गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका घर से बरामद हुई है। नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर देवरिया से, जहां स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पर हाई स्कूल की संस्कृत और इंटरमीडिएट की चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिका लिखी जा रही है। सूचना पर पहुंची टीम ने छापेमारी कर मौके से 17 अभियुक्तों को संस्कृत और चित्रकला के उत्तर पुस्तिका को लिखते हुए पाया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि संस्कृत और चित्रकला की पुस्तकें पाई गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता देवरिया से रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है पूरा मामला और कैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली? आपको बता दें कि देवरिया जनपद के बराज थाना क्षेत्र के पैना गांव में विंध्याचल इंटरमीडिएट कॉलेज है, जहां के बड़का गांव के ग्राम प्रधान नवीन लाल के गुप्ता के घर पर यह कापियां लिखी जा रही थी और पुलिस ने कुल व्यक्तियों को हिरासत में लेते हुए नकल सामग्री को कब्जे में ले लिया है। जी, तो जिन बच्चों के नाम से ये उत्तर पुस्तिका मिली है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई कापियां सादे पाई गई हैं और व्यवस्थापक और प्रधानाध्यापक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और व्यवस्थापक के मोहर दस्तखत भी थे उस कापियां पर और व्यवस्थापक फरार चल रहे हैं और नवेलाल गुप्ता के 2 पुत्र और नवेलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।